कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे सो आज हम लोग बात करेंगे बिची की ये क्रीम के बारे में यू you नो know, बीची विची आई डोंट नो सो आई एम नाउ स्पेन सो यहां पर इसको बिजी कहा जाता है सो so, ये 50 एस है इसके अलावा ये टिंटेड क्रीम है ये एज अ फाउंडेशन आप इसको यूज कर सकते हैं विज सन ब्लॉक ये एक कलर करेक्टर है डार्क आपके डार्क स्पॉट्स को ठीक करता है टिन डेली केयर क्रीम है थ्री इन वन है एंड आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है फिफ्टी है ओके like, सो okay. so, हम इसको अप्लाई करेंगे सो so, मुझे किसी ने कॉमेंट uh, में कहा था कि आप प्लीज इसका हमें रिव्यू दें सो नंबर वन पर आप देख सकते हैं ये वन ड्रॉप मैंने अप्लाई किया है सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत ज्यादा एक फाउंडेशन वाला लुक दे रही है मुझे है ना ओ सॉरी लाइक दैट फ्रेगरेंस गुड नॉट बैड तो यहां पर तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही सो so, हम अपने फेस पर इसको अप्लाई करके देखते हैं कि फेस पर इसके किस तरह के रिजल्ट है so, one, okay. ये one drop भी बहुत ज़्यादा है ना ही काफी है ओके सो इसमें यू वी ए यू वी बी भी है लेकिन एज अ स्टूडेंट एज अ ऑफिस वर्कर आप इम्प्लॉय हैं तो आप ये अप्लाई करके नहीं जा सकते बिकॉज ये बहुत ज्यादा टिंटेड क्रीम है ये ये बिल्कुल भी नहीं हो रही ब्लेंड नहीं हो रही ये जहाँ पर मैंने अप्लाई किया वहा जहा पर यह चिपक गई है मूव नहीं हो रही और ये जब मैं इसको देख रही हूँ मिरर में देख रही हूँ तो ये बिल्कुल भी एक अजीब सा लुक मुझे दे रही है हम थोड़ा सा इसको ब्लेंड करते हैं ब्रश की मदद से या अभी ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गई है नॉट बैड सो शायद आपको नजर फर्क आ रहा हो ये वाला लुक मैंने यहाँ पर इतना ज्यादा मेकअप नहीं किया था लाइट सा था सो so, यहाँ पर ये यह मैंने अप्लाई किया है यू कैन सी नॉट बैड नॉट बैड आप स्कूल या कॉलेज जाती हैं और अगर आप सुबह सुबह उठ के ये ब्लेंडर कर सकती हैं ब्लेंड कर सकती हैं का एज अ गुड मेकअप की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं लेकिन एज अ गुड सन ब्लॉक आप इसको यूज नहीं कर सकते हम जो थोड़ा सा था वो हम यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं लाइक like, ओके okay, अब इसको फुल मैम ब्लेंड करूँगी लाइक सो ओके अगर आपके डार्क स्पॉट्स बहुत ज्यादा हैं और आप स्टूडेंट हैं या आप एक ऑफिस जाने वाली हैं या जाने वाले हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं नॉर्मल स्किन वालों को अगर इसकी जरूरत नहीं है या डार्क स्पॉट्स नहीं है बिल्कुल अच्छी स्किन है तो उनको ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं है अभी नंबर टू पर मुझे इसकी एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई कि ये एक जगह जहां पे इसको वहाँ पर इसको अप्लाई करिए वहां पर चिपक जाती है मूव नहीं करती उसको बहुत जोर जोर से इसे थोड़ा सा पुश करना पड़ता है फिर ये जाके अपनी जगह से मूव मेडिटेशन वाले स्किन के लिए बनाई गई हो ताकि अगर उनकी स्किन पर पिगमेंटेशन हो तो वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाए बाकी ये फुल कवरेज क्रीम विद सन ब्लॉक है उसको फाइव में से थ्री स्टार दूंगी बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये पिगमेंटेशन स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है इसके अलावा विथ सन ब्लॉक है फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी सुबह सुबह अगर आपने और कहीं पर भी जाना हो इसकी एक चीज़ मुझे बिल्कुल बेची नहीं लगी ये ब्लेंड नहीं होती है हाथों की मदद से अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप ऑफिस जा रही हैं और सुबह सुबह आपको ब्रश नहीं मिल रहा है या कभी कभी होता है कि कुछ लड़कियों दिल होता है लाइक मेरा दिल नहीं करता कि मैं सुबह ब्रश उठा के ब्लेंड करना स्टार्ट कर दूँ इसके बाद इस पर जो मेरी क्रीम है बीबी बी गार्नियर क्रीम जो ब्लेंडिंग होने में बहुत हेल्प मतलब बहुत आपको किसी भी ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने हाथों से आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं एंड आपकी स्किन पर बहुत डीपली हाइड्रेट कर देता है लेकिन इसमें इस तरह की कोई हुबी नहीं है ये बिल्कुल एज अ फाउंडेशन आप इसको यूज कर सकते हैं ये आपकी स्किन पर बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट कर दें या आपकी स्किन पर इस तरह का कुछ नहीं है तो आप एज अ फाउंडेशन वीस साल लाख इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं वो कवर हो जाएं लेकिन अगर आप डेली यूज़ वाले इंसान हैं जो आपको मेकअप ज़्यादा पसंद नहीं है या आपको ज्यादा फाउंडेशन पसंद नहीं है तो आप इसको मत यूज़ करें एज अ बॉयज़ बॉयज़ को तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँ क्योंकि बॉयज़ ये वाली प्रोडक्ट यूज़ करें बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्राइस सेवनटीन एटीन यूरो है यहाँ तक आपको मिलेगी लेकिन एज अ बॉय आप इसको इतनी ये ज्यादा टिंटेड क्रीम फाउंडेशन बेस्ड क्रीम है इतनी ज़्यादा ये फुल कवरेज स्क्रीम है क्या आप इसको अप्लाई करके स्पेशली बॉयज बाहर नहीं जा सकते बहुत ज्यादा ज्यादा फील होगा अगर मैं अभी इस पर किसी भी तरह के कंट्रोलिंग नहीं करूँगी तो ये बहुत बुरा लगेगा बिकॉज ये बिल्कुल एज अ प्लेन फुल कवरेज इन्होंने मुझे फाउंडेशन की तरह इसने मुझे दिया है आप दिन में अपने बैग में इसको कैरी नहीं कर सकते आप इसको फाउंडेशन बेस की तरह या आप इसको, इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बैग में कुछ सन ब्लॉक हो या सुबह सुबह आप किसी भी तरह का कुछ फाउंडेशन अपनी स्किन को नेचुरल रखना चाहते हैं या सन ब्लॉक अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है सो आप उसके लिए कोई और सन ब्लॉक ढूंढे जो विदाउट टिंटेड हो टिंटेड सन ब्लॉक है सो ये बीबी आउट बीबी क्लासिक टिंटेड क्रीम विद सन ब्लॉक भी आपको मिल जाएगी इसमें पंद्रह परसेंट इसमें पंद्रह एस पी एफ है इसमें आपको फिफ्टीन एस पी एफ मिलेगा गुड मॉइस्चराइजर की तरह भी है बहुत जल्दी से ये आपकी स्किन पर ब्लेंड हो जाती है आपको किसी ब्रश की जरूरत नहीं पड़ती आपको किसी भी तरह की एक होता है ना कि आप इसको अप्लाई करके बाहर जा सकते हैं एज अ बॉय भी आप इसको बाहर जा सकते हैं ये क्लासिक की मैं बात कर रही हूँ बॉयज इसको यूज कर सकते हैं लेकिन बॉयज इसको इसको नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक है फाउंडेशन ले रहे हैं तो उसकी जगह पर आप ये फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं विद सन ब्लॉक वाला सो so, उसके लिए मैं इसको थ्री पॉइंट दे रही हूँ तरफ से आप कंप्लीट रिव्यू है आपके सामने सो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो मेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को बेल आइकन का बंधवाना मत भूलिएगा लाइक तो आपने कर ही दिया होगा मेरे यूट्यूब ठीक है इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा अल्लाह हाफिज़ तो हमें याद रखिएगा और मज़ीद चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं सो so, मैं आपको कंप्लीट उस पर रिव्यू दे दूँगी उस प्रोडक्ट पर अल्लाह हाफिज़ तो हमें याद रखिएगा